द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोडाइनमिक सिस्टम अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम है जिसमें थर्मोडाइनमिक प्रोसेस को उबे किया जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये फर्स्ट और सेकेंड लॉज जो हैं थर्मोडाइनमिक्स के उन पर बेस्ड करता है हम लोग बात करते हैं सिस्टम की आ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स सच एस प्रेसर पी वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी सिस्टम किस किन टर्म्स के ऊपर रिलाई कर रहा है स्टूडेंट्स जो कि थर्मोडाइनैमिक वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स हैं प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर ज़रूरी होती हैं थर्मोडाइनमिकली बॉडी को बिहेव करवाने के लिए वी नीड टू डिफाइन द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स विच आर असेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करते हैं जो कि क्लियरली हमें बताते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बिहेव करता है सबसे पहले जो टर्म आती है स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल है वो क्या है सिस्टम सिस्टम क्या होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस हुज बिहेवियर इज बीइंग स्टडीज जो सिस्टम है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स के जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको डिस्कस या स्टडी किया जा रहा है एट द सेम टाइम वो हमारे पास क्या कहलाता है सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल अ गैस इंक्लोज इन आ सिलेंडर एटसेट्रा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि गैस इंक्लोज है किसी सिलेंडर के अंदर अब जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं और सिलेंडर के अंदर एक ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ हुआ है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं सो so, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम्स एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम यूनिवर्स के अंदर जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि इस सिस्टम को कवर किए हुए हैं स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती हैं सराउंडिंग्स नेक्स्ट मैकेनिकल टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास बाउंड्री ऑफ़ द सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स जो सराउंडिंग्स हैं वो सराउंडिंग के अंदर जो सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है हमारे पास बाउंड्री ऑफ द सिस्टम जहाँ पर एक्सचेंज होती है एनर्जी की फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग कैन टेक प्लेस थ्रू द बाउंड्री बाय द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क और द फ्लो ऑफ हीट अब सिस्टम उस सराउंडिंग्स के अंदर जो हीट फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो किस वजह से होता है या तो हम लोग उस सिस्टम को या सराउंडिंग्स को हीट प्रोवाइड करें सराउंडिंग्स से जो हीट है वो ट्रांसफर होगी सिस्टम की तरफ ये हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स बाउंड्री ऑफ द सिस्टम जो कि किसी सिस्टम को बाउंड किए हुए हैं अराउंड द पार्टिकल्स क्लोज सिस्टम द सिस्टम इन विच देर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ मैथ्स ऐसा सिस्टम जो कि टोटली क्लोज हो जिस पर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स ना हो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है क्लोज सिस्टम देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैथ अक्रॉस इस बाउंड्री इज़ कार्ड क्लोज सिस्टम यानी कि मैथ या किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल उस क्लोज सिस्टम से ना बाहर आ सकेगा ना ही अंदर जा सकेगा सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लोज सिस्टम नेक्स्ट इज ओपन सिस्टम द सिस्टम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैथ अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम हम लोग जब लोग देखते हैं कि अक्रॉस द बाउंड्री सिस्टम क्या ट्रांसफर कर रहा है स्टूडेंट्स मैथ तो ये क्या कहलाता है हमारे पास ओपन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम इन विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैस एंड हीट एनर्जी अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता अक्रॉस द बाउंड्री ये हमारे पास क्या कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोडाइनैमिक स्टेट एंड थर्मोडाइनैमिक स्टेट वेरिएबल्स द पर्टिकुलर कंडीशन वेन अ सिस्टम हैज स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ द सिस्टम जब हमारे पास इन टर्म्स की स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हो या तो हमारे पास प्रेशर पी कांस्टेंट हो और बाकी वेरिएबल्स हो और वी कांस्टेंट हो प्रेशर और टी टेम्परेचर कांस्टेंट हो या फिर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो और वी और टी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो वेरिएबल्स तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ द सिस्टम जिसमें कुछ टर्म्स कांस्टेंट होंगी और बाकी वेरिएबल्स सो स्टूडेंट्स ये थी मैकेनिकल टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए थर्मोडाइनमिक स्टेट के जो सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप की द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैरामीटर्स इज नॉट नाउन फॉर सॉलिड लिक्विड्स एंड नॉन होमोजीनियस सब्सटांस सॉलिड लिक्विड्स और नॉन होमोजीनियस सब्सटांस के लिए इनका एग्जैक्ट रिलेशनशिप नाउ नहीं है इन द केस ऑफ आइडियल गैस द क्वेश्चन इज स्टेबल इज टी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डॉट डेल्टा एस इन थर्मोडाइनमिक्स वर्क इज सैट टू बी डन बाय सिस्टम वेन द सिस्टम एज अ होल एक्सपेंड जैसे ही सिस्टम एक्सपेंड करता है तो हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम की तरफ से वर्क डन हुआ है वो वर्क डन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स एफ डॉट डेल्टा एस द सम ऑफ ऑल एफ डॉट डी एस ओवर द इंटायर बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज द वर्क डन अ सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग जो हमारे पास तमाम वर्क डन यानी कि एनर्जीज जितनी भी ट्रांसफर हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एफ डॉट डी एस और द इंटायर बाउंड्री बाय द सिस्टम ये हमारे पास थर्मोडाइनमिकल सिस्टम की एक और स्टेट है सिमिलरली इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन पहले हम लोगों ने बात की एक्सपेंड की अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन की इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाई इट्स सराउंडिंग्स वर्क डन जब सराउंडिंग्स की तरफ से सिस्टम की तरफ हो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास थर्मोडाइनमिकल एक स्टेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है हीट प्रोड्यूस करने के लिए सो स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्शन कि जब बॉडी एक्सपेंड करती है तो वर्क डन किया जाता है सिस्टम की तरफ से बाउंड्री पर और जब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रेक्शन की तो सराउंडिंग्स की तरफ से सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाता है सो so स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडाइनमिकल सिस्टम थैंक यू